पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बस्तर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2 साल पूर्ण होने पर मरकाम ने कहा कि सबसे सफल कार्यकर्ता की जड़ों को जानने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं। संवाददाता अखिलेश तिवारी ने मोहन मरकाम से खास बातचीत की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ में हैं, निश्चित रूप से प्रेस से मिले कार्यक्रम में उपस्थित हैं। प्रथम मेरा सवाल यही रहेगा कि 2 साल पूर्ण हो गया है, क्या किस तरीके से आप लोगों की योजनाएं रही और उसमें कितनी सफलता हासिल की? आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर मुझे सौंपी थी और 2 साल पूरे हुए। इन 2 वर्षों में सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल हो और इन 2 वर्षों में हमने वही काम किया। माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का प्रयास किया, उसी का सुखद परिणाम है। हम आज सभी चुनाव, अभी तक जितने 2 सालों में चुनाव हुए, सभी चुनाव में हमें जीत मिली है। आदिवासी क्षेत्र में, खासतौर से नक्सल क्षेत्र में, जिस तरीके से आंदोलन काफी ज्यादा तेज हो गया, क्या इसमें कहीं असफलता मिली है? क्योंकि लगातार इस तरीके से आदिवासी लोगों का लगातार इस तरीके से विद्रोह देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस क्षेत्र में जो आंदोलन हो रहे हैं, सिलगेर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में नक्सलियों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि हम उस क्षेत्र के आदिवासियों को आगे बढ़ा के और आंदोलन आगे करवा रहे हैं, मगर इनके मंसूबे कभी पूरा नहीं होंगे। सरकार गंभीर है, बस्तर में या पूरे छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है। हमें लगता है सरकार की उपलब्धियों के दम पे उस क्षेत्र में शांति होगी। निश्चित रूप से देखा जाता है कि जो यहाँ की सरकार है वो खासतौर से आदिवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्यरत हैं और इसी को लेकर के 2 साल जो पूर्ण होने हैं उसी मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं में भी रही हैं। कैमरा पर्सन चन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, एमके न्यूज़, रायपुर छत्तीसगढ़।